हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कुछ बात कर लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, हट के थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिल सके इससे रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मार्केट में अफवाह सुनने में आ रहा, काफ़ी कई लोग देखे थे, कल फ़ोन आ रहा था और मैसेज भी बहुत सारे आए थे, अफवाह फैल रहा है किस तरह के बात का हम बात करेंगे, क्या अफवाह फैल रहा है सो, ठीक है। और निजी नीति साठ चले का जो गर्म माहौल उससे भी रिलेटेड बात करने वाले, ठीक है। उस पर एग्ज़ाम पे क्या असर पड़ने वाला है और आपको तैयारी करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ और चीज़ की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आप बताने वाले आपको, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा है आपको कि नियोजन नीति जो 60-40 का जो गर्म माहौल चल रहा है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है और झारखंड बंदी और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन तो रूलिंग गवर्नमेंट जो भी प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट चला रहा है और उसके साथ जो कोलिजन है, उसका रिएक्शन देखिएगा और उसका भाषा सुनिएगा, तो इससे क्लियर कट बात ये पता चल रहा है कि आप कुछ नहीं होने वाला इसके प्रति। हाँ, सिंपल उन लोगों का कहना है कि इसके प्रति विचार किया जाएगा और एग्ज़ाम को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि विचार करेंगे इसको रोक देंगे फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम नहीं रोकेंगे। सीधा सीधे बोल दिया मुख्यमंत्री साहब, तो इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सीधा सच्चाई तो ये है कि साठ चले पर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। और बात दोस्तों, और अफवाह आपको सुनने में आ रहा है कि कई लड़का लोग फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि सर ये बताइए कि मान लीजिए सचिवालय या कोई भी एग्ज़ाम, जेई चाहे कोई भी एग्ज़ाम को नौकरी करेंगे, बाहर के लड़का लोग नौकरी करेंगे तो क्या वहाँ से मार के भगा दिया जाएगा। अरे भाई, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, मतलब यार कैसे मार के भगा देगा यार, मतलब संविधान नाम का कुछ चीज़ भी है कि नहीं, मतलब इंडिया मतलब झारखंड के स्तर में रह के बात कर रही है चीज़, ठीक है। झारखंड के लोग बाहर नहीं जॉब करते क्या? झारखंड के लोग कहाँ, बिहार में नहीं करते हैं, बंगाल में नहीं करते हैं, उड़ीसा में नहीं करते हैं, महाराष्ट्र में नहीं करते हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं करते हैं, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली नहीं करते हैं, तो फिर उन लोग को मार के भगा देगा वहाँ से फिर? यार ये बेवकूफ़ी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जॉब जॉब होता है, चाहे सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ जॉब कीजिएगा तो मार के भगा देगा, इतना पावर किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके संविधान है, सरकार है, ऐसे भगाने लगेगा तो फिर दुनिया तो ख़त्म हो जाएगा, फिर भारत बर्बाद हो जाएगा फिर देखा जाए तो। ये सब चीज़ ना सोचे दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत के प्रति कुछ काम करने को, ठीक है दोस्तों। अफवाह ऐसा फैलने से रोकिए, ठीक है। यार जो पता नहीं कौन बताया, हमें नहीं पता, लड़का लोग कमेंट कर रहे थे कि फ़ोन करते कि पता नहीं ऐसे सुनने में आ रहा सर, तो क्या करें, नहीं भरें, छोड़ दें क्या, हम एमपी से हैं। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अब सरकार 60-40 ला ही दिया है तो आपको लग रहा है हम निकाल लेंगे तो भरिए, लग रहा है कि नहीं निकाल पाएंगे, दूर भी घर से, लेकिन हर कोई चाहता है कि घर के पास में जॉब करना चाहता है, हर कोई चाहता है वो सिस्टम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बंगाल का आदमी झारखंड में जॉब करेगा उसको मार के भगा देंगे, या फिर बिहार झारखंड का आदमी बंगाल में करेगा उसको मार के वहाँ से भगा दिया जाएगा, ऐसे चलने लगेगा दोस्तों, तो फिर क्या ही रह जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का माहौल, इंडिया पाकिस्तान का माहौल फिर तो इंडिया में देखने को मिल जाएगा अलग अलग राज्यों में। इसलिए बेवकूफ़ी वाली बात मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा जेन्युइन पढ़ा लिखा वाला बात कीजिए ना, ठीक है। इसलिए अफवाह फैलाइए मत और चुपचाप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम का असर कुछ नहीं पड़ने वाला, 60-40 साल का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। अभी इसको बदलना ही होता है दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। वैकेंसी क्यों निकाल रहा है, वैकेंसी निकाल रहा है क्यों, इसलिए दिखाने के थ्रू निकाल रहा है, ठीक है, कि इसको वैकेंसी निकाल के फिर चुनाव के टाइम हटा देंगे सब, तो उसे फिर सरकार बन जाएगी, सरकार का बेड़ा गर्क हो जाएगा और जितने भी विधायक सबको बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई रिस्क लेना चाहेगा? अभी जब नेता मंत्री बनेगा तब पता चलेगा कैसे बात किया जाता नहीं होता, ठीक है। ये सब बहुत सोच समझ के काम चलता है, बहुत सोच समझ के काम करता है लोग, ठीक है। इसलिए तैयारी जोर शोर से लगा दीजिए, 3 महीने अंडरग्राउंड हो जाइए, और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब न्यूज़ मत देखा कीजिए खास करके, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए और चुपचाप मोबाइल को बंद करके रखिए, अपना तैयारी कोना में लग 3 महीने कीजिए आराम से, वरना निकल जाएगा दोस्तों फिर बाद में बहुत पछताइएगा, फिर वही बोलिएगा बाद में कि काश ऐसा कर लिए होते, शायद इसके चक्कर ना पड़े रहते 60-40 के चक्कर में। देखिए कुछ लोग फेस चमकाने के लिए लगे हुए, ठीक है। यदि छात्र नेता लोग को हम बोलना चाहेंगे, कई लोग ऐसे हैं बहुत अच्छे जो काम कर रहे हैं, ठीक, होना भी चाहिए दो चार को ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि आपको चेहरा चमका रहे हैं, ठीक है। आपको सच में भलाई चाहते हैं ना, तो आप जो डिमांड कर रहे हैं, जो सच में झारखंड छात्रों के भलाई चाहते हैं, अपने भाइयों के लिए जो 60-40 का डिमांड का जो डिमांड कर रहे हैं 60-40 का, उस जगह पर डिमांड ये कीजिए कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है चलिए कोई बात नहीं, समय निकल गया, आपकी गलती वजह समय निकल गया, ठीक है, सरकार को बोली जाके, लेकिन जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है जितने भी, ठीक है, वो फेयर तरीका से लीजिए, किसी तरह से धांधली नहीं, किसी तरह से पेपर आउट नहीं होना चाहिए, ओमआर सीट गैप नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ होना चाहिए। बाकी इसका नियोजन नीति जो चेंजिंग होगा वो 24 में कर दिया जाएगा, लेकिन जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसको फेयर तरीका से कीजिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को सलेक्शन झारखंड का हो। ये चीज़ बात करने में क्या जा रहा है, अब उसको पता है ये सब चीज़ बात करना तो मुद्दा तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिए क्या बात हुआ, लेकिन यही अभी जेन्युइन बात यही करना चाहिए, छात्र के हित में यही बात है कि जेन्युइन एग्जाम लीजिए, क्योंकि झारखंड में करप्शन बहुत होता है, ठीक है। 20-20 लाख 25-25 लाख देखिएगा ना, अभी एक महीना बाद देखिए कैसे रेट अभी मार्केट में हल्ला होगा, रांची में जाए, देखिए मार्केट में जाए, चाय पीने जाइएगा ना तो वहाँ पर हल्ला होगा, 25 लाख में मिल रहा है, सचिवालय लीजिएगा, एसओ का पोस्ट,
ठीक है, जेईई बनना है, बनना है, 18 लाख जमा कीजिए, ऐसे करके। तो ये चीज़ रोकने के लिए छात्र नेता को आगे आना चाहिए। बस उन लोग चेहरा चमका रहा सिर्फ 40-60-40 का जाके, ठीक है, और मज़े भी कर रहा है। काफ़ी छात्र लोग ये भी है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अपने आप को उसको भगवान मानने लगा है, ठीक है, कि बाब ये भगवान हमारे लिए यही है। लेकिन उसको पता नहीं है कि आप अपने अपना खेल रहा, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो अपना खेल चमका रहा है दोस्तों, सच बता रहे हैं। हालांकि मेरा बात कड़वा लगेगा तो लगने दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, वो अपना चमका रहा है। बाकी आप देखिएगा, ऐसे देखते रह के उसको सपोर्ट करते, उसको लाइक करते रह जाइएगा, फिर पता चलेगा वो तो जहाँ पहुँचना वो पहुँच गया बड़ी जगह पर, आप जहाँ का तहाँ रह जाइएगा, ठीक है। तो छात्र नेता से यही गुजारिश करेंगे हम कि निरंतरता की मांग तो सही है, हमें भी वही मांग है, सभी को वही मांग है, लेकिन समय गलत है, हम वो बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। समय अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम होना भी जरूरी है, क्योंकि 5-5 साल से 6-6 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है और कई लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उम्र निकला जा रहा है। हम इस हिसाब से बात करें, एग्ज़ाम होना चाहिए, तो ना कि निरंतरता 40-40 का भी माहौल डिमांड करना चाहिए। अभी जिस तरह प्रोटेस्ट करते देखते ये झारखंड बंद, ये बंद थी, बस इसका दिमाग ये करना चाहिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के कान में जाकर दे दीजिए ये बात कि जितना भी एग्ज़ाम अभी होगा, जितने भी एग्ज़ाम होगा, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक एग्ज़ाम, सारे फेयर तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। यदि फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर विधानसभा उखाड़ के हम फेंक देंगे, सारे छात्र लोग ये बोल देना चाहिए कि फेंक देंगे उठा के, फिर किस लिए चला रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेहनत करे को और हरामखोरों का पैसा से कमा कमा के नौकरी ले को, और कितना कहाँ से जायज बात है बताने जरा। हरामखोर का आदमी बहुत लोग झारखंड मिल जाएंगे, आप जाएंगे, आपको लूट खसूट मचा के पैसा रखा हुआ है। अब उन लोगों को मेहनत जो करते रहते हैं, 8-8, 12-12, 15-15 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा उन लोग, जिसको पैसा देख लेना, वो इंजॉय से दारू पी के लौंडियाबाजी कर रहा होगा कहीं भी जाके। सच बता रहे दोस्तों, हकीकत सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करेगा, लास्ट में नौकरी लेकर चला जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है 15 घंटा वो यहीं कहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ रोकने के लिए बात करना चाहिए छात्र नेता को, ना कि नियोजन थी 60-40 पकड़ लिया इन लोगों को, बस यही चीज़ चला जाए। उसको भी पता भी होना कुछ नहीं है, बस इंजॉय कर रहा है, ठीक है, अपना ग्रुप में डाल, अपना फेस, सभी छात्र नेता को अपना यूट्यूब चैनल है, सबका रोजी रोटी चल रहा है उसी से। तब कहने का मतलब चाहिए कि जो छात्र के प्रति इतना है ही है, तो इसी की डिमांड रखने में क्या जा रहा है, एक लेटर लिख के दीजिए ना सभी को, देखिएगा इस ये चीज़ अभी डिमांड कीजिएगा ना कि जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रहा है फेयर तरीका से होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग आपको पढ़ने लिखने, जितने लोग आपको भी सपोर्ट करने लगेंगे, सबको पता है कि फेयर तरीका से होना भी चाहिए। लेकिन आप नहीं, ये चीज़ नहीं डिमांड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, फिर से डिमांड कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा मामला, फिर क्या चमकाएंगे फिर कैसे यूट्यूब पर अपना, ठीक है। मेरा बात कड़वा है दोस्तों, लेकिन सच्चाई है, आप लोग इस चीज़ आपको विश्वास नहीं होगा तो यकीन मान, जब एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपको फिर एहसास इस चीज़ का होगा, ठीक है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, जितने भी नेता मंत्री लोग से है, हालांकि देखिए सेटिंग वोटिंग तो नेता लोग ही करवाता है, ठीक है, बाहर लोग नहीं करवाता है, आम आदमी हमारे आपके जैसे लोग नहीं करवाता है, ठीक है, कहीं बड़े लोग ही करवाता है सब चीज़। तो उन लोग से रिक्वेस्ट होगा कम से कम पाप मत बनिए, पाप मत कीजिए, अधिक पैसा क्या कमी आप लोग बताइए ना, इतना इतना तो लूट घसूट मटा ही रखें, क्या कीजिएगा, ज़्यादा पैसा लेके अरे हराम का पैसा खाइएगा, एक दिन ऊपर चले जाएगा तो क्या कीजिएगा पैसा रख के, गरीब बच्चों को मौका दीजिए, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अब जाकर मिलिए तो पहले, अभी तो आप एसी के रूम में बैठे हैं, पता नहीं चल पा रहा है, जब देखिए गर्मी में लोग पसीना चूरा किताब पर पढ़ रहा है, और आप उसका क्या कर हक मारिएगा सीट बेच के। तो सीट नहीं बिकना चाहिए, सारे नेता मंत्रियों से गुजारिश है, और हम तो यही बोलेंगे जितने भी छात्र लोग तैयारी करें, जितने भी एग्ज़ाम का, आपके आसपास के नेता लोग से जाकर मिलिए और साइन करवा के वहाँ बात कीजिए कि जो भी एग्ज़ाम होगा फेयर तरीके से होगा, वरना हम आपको 2024 चुनाव बता देंगे आपको, ठीक है। ये जगह बोलिए आप लोग, 60-40 का मुद्दा छोड़िए, अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं चाहिए 60-40, लेकिन क्या कीजिएगा, लेकिन मजबूरी है, 60-40 आ ही गया, कुछ नहीं हो सकता है, सरकार भी अडिग है एग्ज़ाम लेने को लेकर, तो क्यों ना डिमांड किया जाए कि पेपर सही तरीके से किया जाए, किस तरह का धांधली नहीं होना चाहिए, धांधली होगा तो 2100-2100 विधायक के हटा देंगे यहाँ से, फेंक फाक के जहाँ भी पता नहीं, एस्केप वेलोसिटी उठा के फेंकेंगे जो कहीं पता नहीं चलेगा कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बात करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ कोई बात ही नहीं कर रहा है, बस 60-40 बेवकूफ़ वाला मुद्दा लेकर चल रहा है, बेवकूफ़ वाला मुद्दा नहीं कर सकते, लेकिन समय के अनुसार हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप लोग जाके डिमांड कीजिए इसको, और तैयारी जम के कीजिए, ये सब चीज़ न्यूज देखना छोड़ दीजिए, और 3 महीना दोस्तों यकीन मानिए 3 महीना एकदम अंडरग्राउंड हो जाइए, किसी तरह करके, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई अपना आदमी नहीं, अपना ही आदमी आपको छेदा कर रहा है, ठीक है, पीछे से वार कर रहा है, याद रखिएगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उन लोग का 10 दिन खाना नहीं खाएगा आपका, जितने भी आसपास के लोग, जितने भी आपको गोतिया पोती है, जितने भी जो लोग आसपास के लोग हैं, खाना नहीं खाएगा, सच बता रहे हैं, और वही लोग आपको मजे ले रहे हैं आप लोग, तो आप लोग समझिए बात को, क्यों नहीं समझ रहे हैं। अब 60-40 मुद्दा उन लोग फंसा के रख देगा, फिर आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, फिर क्या ही कीजिएगा, बेरोजगार तो वैसे भी थे, फिर 4 साल और बेरोजगार रहना पड़ जाएगा। छात्र नेता को कुछ नहीं बुझा रहा है, वो लोग यूट्यूब चैनल है भाई, सच बता रहे हैं, व्यू अच्छा खासा चल जाता, पैसा भी आ रहा है उन लोग का, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग समझिए ना, कैसे क्या समझाएं आपको बताएं, आप लोग हम बोल रहे हैं तो आप लोग लग रहा है कि नहीं ये तो बस जैसे तैसे बात बोल रहा है, जैसे तैसे बात नहीं बोल रहे हैं हम भाई, दुख पीड़ा समझते हैं छात्रों को, हम देखे हुए इसलिए बात बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या ही बोल रहे हैं, मतलब
एक्स्ट्रा जेन्युइन डिमांड कीजिए कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो बस। बाकी 2024 आ ही रहा है, 2024 में चुनाव के बाद तो सबको दौड़ जाना है एकदम कि नियोजन नीति बढ़िया से बनाइए, एकदम ऐसा नीति बनेगा कि झारखंडियों के हित में होना चाहिए, बात खत्म। और उस टाइम पूरा झारखंड बंद करवा देना है, पूरा एक एक यूट्यूब चैनल, एक एक टीचर को बुला के, एक एक छात्र को बुला के, कोई सेल्फिश नहीं बनना है, सबको जाके काम करवाना है, क्योंकि आपके भी बाल बच्चे आगे फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। ये बनवाना जरूरी है क्योंकि 20 साल से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल रिक्वेस्ट है कि पढ़ने दीजिए सभी को और फेयर तरीका से एग्ज़ाम हो, ये डिमांड कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसा है आप लोग समझिए, ठीक है। बाकी जितने भी छात्र हमारे हैं, जैसे जेई के हैं, सीजीएल खास करके सीजीएल छात्र, बहुत सारे अभी पेट बैच चल रहा है, उसमें कुछ नहीं ले रहे, सोच रहे कि हमारी तैयारी हो गया। दोस्तों तैयारी हो गया, सभी को तैयारी है, लेकिन अपना तैयारी को परिपक्व बनाने के लिए रिवीजन के तौर पे आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए, ज्वाइन कीजिए और देखिए अपना, ठीक है। डेली बेसिस पर जो चीज़ मिल रहा है आपको ना, वो चीज़ आपको शायद ही कहीं झारखंड में मिलने वाला है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ दिया जा रहा है, मात्र 350 पेपर थ्री का पूरा। इसमें जुड़िए, 2-3 महीने इसमें जुड़ के काम कीजिए, फिर आपका देखिएगा रिजल्ट कैसे नहीं होगा सो, ठीक है। हर चीज़ कवर करें, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, सब चीज़ यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं 350 हम क्यों लेंगे, हम तो लेंगे 5,000 वाला कोर्स, ठीक है, 7,000 वाला कोर्स लेंगे, वो हमको सिलेक्शन करवा देगा, क्योंकि हमको जड़ी बूटी खिलाएगा और नौकरी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है, आप 20,000 वाला कोर्स खरीद लीजिए ना, लेकिन 350 जो हम दे रहे चीज़ में, वो 20,000 आपको नहीं दे पाएगा, गारंटी के साथ देते हैं, जाइए, ठीक है। बाकी आप क्या ही समझते हैं, अब हम उसमें नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अभी बोल रहे हैं, लास्ट बार बोल रहे हैं कि रिस्क मत लीजिए, एग्जाम आपका होगा और जुड़िए। 350 कुछ नहीं है दोस्तों, आप ही की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। जुड़ के एक एक चीज़ आपको दे रहे हैं, 5-5, 6-6 टॉपिक डेली दे रहे हैं, ठीक है। इतना मेहनत किया जा रहा है टॉपिक पीछे, ताकि आपको चीज़ टू द पॉइंट और एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ देखने को मिले एग्जाम में। बिहार सचिवालय एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, जिस टाइप का आपको PDF हम दे रहे हैं ना, बिहार सचिवालय एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, BPSC एग्जाम में आया हुआ है, JPSC में आया हुआ है, सीजीएल में क्यों नहीं आएगा, तो आप लोग समझ नहीं रहे बात को, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।